हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द वैल्यू नॉलेज पे, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है इस सीई का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे मोबाइल चार्जर, हेडफोन्स या फिर कोई भी स्मार्टफोन देख लो, उस पे ऐसा मार्क देखा रहेगा जहाँ पे लिखा होता है सी और ई। और कुछ कुछ लोग इसके अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इसका मतलब होता है चाइना एक्सपोर्ट, तो कुछ लोग और ही बोलते हैं, लेकिन ये सारी अफवाह है। और इसका रियल मीनिंग क्या है वो आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और कुछ कुछ लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि जो प्रोडक्ट पे ऐसा सीई मार्क लिखा हुआ रहता है उनको खरीदना नहीं चाहिए, तो इसके पीछे क्या सच्चाई है वो भी आज हम आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो समझते हैं कि ये सीई का मतलब क्या है। तो ये जो सीई होता है उसे सीई मार्किंग कहा जाता है। इसके ऊपर एक विकिपीडिया पेज भी बना है, आप उसे चेक कर सकते हो, लेकिन फिर भी आज हम आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे कि ये एग्जैक्टली चीज क्या है। तो सीई का फुल फॉर्म है कन्फॉर्मिटी यूरोपीनी, ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मीनिंग है यूरोपियन कन्फॉर्मिटी। तो दोस्तों, यूरोपियन जो भी कंट्रीज है, जैसे कि आपको पता है कि यूरोप एक कंटिनेंट है और उसमें बहुत सारी कंट्रीज है, और उसमें एक इन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया बनाया है और उसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उसके कुछ हेल्थ सेफ्टी और इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस होते हैं। उसके तहत वो ऐसा बोलते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं जब बनाए जाते हैं उनमें पर्टिकुलर गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके ऊपर जब भी ये सीई मार्किंग लिखी हुई होती है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये यूरोप में सेल करने लायक है, यानी वहाँ की जो स्टैंडर्ड्स, वहाँ की जो गाइडलाइंस उन्होंने दी है उसको वो फुलफिल करता है और वहाँ पे वो बेचा जा सकता है। यही इसके पीछे मीनिंग है। इसका चाइना से कुछ भी रिलेशन नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ है कि ये प्रोडक्ट को बैन करना चाहिए या फिर ये प्रोडक्ट डैमेज होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे यही रीज़न है कि जो भी यूरोपियन यूनियन ने जो भी स्टैंडर्ड्स इन्होंने डिसाइड किए हैं उसको वो उसके वो एकदम खड़ा उतरता है वहाँ पे, और वो सारे गाइडलाइन जो है मीट करता है। इनफैक्ट दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्ट पे सीई मार्किंग है तो आप समझ लो कि वो प्रोडक्ट यूज़ करना एकदम सेफ है, क्योंकि उसने यूरोपियन कंट्रीज के जो भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है हेल्थ को लेके, सेफ्टी को लेके और इन्वायरमेंट को लेके, वो सारे गाइडलाइंस फॉलो किए हैं। तो ऑब्वियसली आप वो जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके पीछे यही रीज़न है। इसके पहले आपने जो भी रीज़न सुने होंगे वो सारी अफवाह है। अगर आपको फिर भी इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये सीई मार्किंग करके विकिपीडिया का पेज बना हुआ है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे के रखी है कि कौन से रूल्स होते हैं, कौन सी गाइडलाइंस होती है, ये सर्टिफिकेट का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वैसे आज हमने ये वीडियो में आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी है, तो ये सारा नॉलेज आप अच्छे से याद करके रखो, क्योंकि ये हो सकता है कहीं पर आपको काम आ सकता है। इसके अलावा हमारे चैनल पर हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर टेक्नोलॉजी से लेकर हेल्थ तक और जीके से लेकर करंट अफेयर्स तक बहुत सारी जानकारी देख सकते हो। और दोस्तों, हमारा प्लेलिस्ट एक पूरा ज्ञान का भंडार है, आप इसे एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोस को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी, और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था, जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।